चलो भाई, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात चालीस चालीस, चलो चलो जब मेरी सेल कॉपी कर देना, मैं मेंशन ही नहीं करूंगा, मेरे को पता है आप लोग इनको नहीं जानते, आप मेरी गेम मार के पब्लिक को हर पंचायत का दस बताते हैं यहाँ क्या करते हो फजूल, जीत की पंचायतें पाली हुई होती हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आज जुम्मा था तो जुम्मा मुबारक, अभी जुम्मा पढ़ के आए थे और काफ़ी टाइम बाद न्यू व्लॉग करने लगा हूँ। और आपको पता है सारे व्लॉग तो नहीं करता कि मैं आज ये कर रहा हूँ, आज बस ये था कि एक इन्फ्लुएंसर के पास जाना है क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह का सोचा है, जो से मैंने काम स्टार्ट किया था, जिसने देखा होगा वो व्लॉग से आइडिया होगा। तो खाना वगैरह खाते हैं, उन्होंने मेरे को कहा था सुबह का रखो, मैंने उसे कहा कि अभी पिछला पूरा महीना गर्मी नहीं थी तो आज गर्मी कैसे हो सकती है, उन्होंने कहा जुम्मे के बाद गर्मी होगी और ऐसी गर्मी है कि पसीने छूट रहे हैं। तो बस अभी निकलते हैं खाना वगैरह खा के, लड़का आ रहा है उसको भी बुलाते हैं जो फोटोग्राफर है उसे भी पकड़ते हैं, तो पहुँचते हैं सामा भाई के पास। वैसे एक लड़के की वजह से लेट हो गए निकल रहे हैं, सोया पड़ा हुआ था उठ ही नहीं रहा था, उसको अभी घर जाके पहले उठाया है, अब जा रहा हूँ गाड़ी वाड़ी पर कपड़ा मारने में, आपको गाड़ी की हालत दिखाता हूँ, इतने दिनों से बेचारी खड़ी हुई है गली के कोने पर, तो कपड़ा छपड़ा मारना पड़ेगा। आप हालत देखोगे, आप भी बोलोगे कि कबाड़ में खड़ी की हुई थी क्या, हालात गाड़ी गई है, गंदी हुई पड़ी है, देखो कोई भी आना चाहे अपने नाम इस पर लिख सकते हैं, लड़के बच्चों ने डेंटिंग पेंटिंग की भी होती है उसके बारे में, कपड़ा मार के साफ करते हैं तक लगे। यहाँ पे बस खड़े होकर लड़के का वेट कर रहा हूँ, पसीना आप लोग देख रहे हो गाड़ी साफ कर रहा था, इतनी गर्मी है कि लड़का आ जाए, उसकी एक तो नींद पूरी नहीं होती, उसने हमें जीने आराम करके रखा होगा, वैसे उसकी कॉलें आती जब काम होते हैं, आज मैं उसे कर रहा हूँ, आता है सबका आता है। भाई तेरी नींद पूरी नहीं होती क्या, गर्मी गालियाँ दे रहे तू आगे गर्मी को, अभी तो उठ गया है भाई, नाइट ड्यूटी करता हूँ मैं, तेरी तरह फारिग नहीं, 8 बजे सोया हूँ, इसी टाइम उठना बंद है। तो जुम्मा कौन पढ़ता, जुम्मा पढ़ा है मैंने अपना पढ़ा है। हमारे पास आ गए थे, कैमरा गंदा हो रहा था, उसमें शूट पड़ गए, तो उनका शूट वगैरह स्टार्ट हो गया है। और एक जो मेरा दोस्त है ना वायर, उसको कार्ड पंचायत कर रहा है, बताते हैं यहाँ क्या करते हो फजूल, जीत की पंचायतें पाली हुई होती हैं इन्होंने, कोई नहीं उन बेचारों का भी यही काम है, इन्हीं के लिए रखा हुआ था। ये अच्छा हो जाएगा, ज्यादा व्यूज आ जाएंगे यार। भाई की बाइक लेना, गियर नहीं निकल रहे, गियर इसके गियर ही नहीं निकल रहे, अबे भाई चलाना नहीं आती है बोलो। बेनिफिट नहीं दिया उन्होंने, बोला कि हाइसेंस हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है, वाओ अपने ब्रांड की कहानी सुना रहा हूँ। डूब गया जो मेरे भाई के चैनल को लाइक कर देना, नहीं 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 क्या कर रहे हैं ये, नहीं 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 करने का, हाँ तो लाइक भी करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ कर देना, मेरे चैनल को भी कर देना, मैं मेंशन ही नहीं करूंगा, मेरे को पता है आप लोग इनको नहीं जानते, आप मेरी गेम मार के पब्लिक को। और बस फिर हमारा वहाँ से जो था शूट वगैरह वो ख़त्म हो गया है, अब घर की तरफ निकलते हैं, इस भाई को छोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे लोग को भी ख़त्म तो नहीं कर सकता, खैर से पहले जाऊँगा जिम वगैरह जाऊँगा, फर्स्ट टाइम आज जिम का भी व्लॉग बनाऊँगा, सॉरी सेकंड टाइम। गाइस गाइस मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी, हमें ये खिलाएगा कुछ क्या रे, भीख मंग गया पैदल जा, तू भी पैदल जाती है अगर उसका साथ देना है तो, मैं तो बीच में कुछ बोला ही नहीं। तो आगे बिठाएगा, तो आगे बिठाएगा, मेरे को पीछे बिठाएगा, ये सही है भाई। ये क्या है, इधर देख, ये किसने मार दी, ये क्या सीन है, मार दी अब तो लगती तो सही थी, ये तुमने खड़ी ऐसे की है ना, अगर इस तरीके से खड़ी होती नहीं होता, नहीं निकाल के मार लिखा अभी था। खाना खाना है, ये नहीं पता क्या खाना है, यहाँ सामने क्या मिलते है, सामने कट मिलती है, चाय वाली कट खाने में, और केक रस मिलेंगे, समझो बिल्कुल गए गुजरे समोसे भी मिलते हैं,
अरे काम करो अपना बैग रख के आओ हमारे साथ हमारे लाके चलो वहाँ वाले समोसा खाना आप सीट लॉक करो तू नहीं खा तो खिलाई नहीं रहे तू ऐसे ही जा खाने चला जा तू कोई आएगा नहीं ना यार यही तो बात है जहाँ चलो जो मिलता है वो खा लेते हैं सही है मेरो हमारे मुआज भाई देखे ये शूट के बाद यहाँ के क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर कल सीन ये हुआ था कि मैं वहीं से कहीं और चला गया था और मैं टाइम भी नहीं मिला जिम के लिए और मैं वहीं से आते साथ फिर क्या कहते हैं घर आ गया था और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल हेयर कट करवाना है थोड़ी सेटिंग वगैरह करवानी है दाढ़ी वगैरह बनवाना है क्योंकि आदत नहीं है मेरी बीच में मेरी आदत बनी थी कि काफ़ी टाइम तक घर में पड़ा रहता था और टाइम ही नहीं मिलता था तो फिर अभी चलते हैं करिए कौन है भाई ये सैलून है तो फिर आज रात जाएंगे जिम तो बनाते हैं कोई सेटिंग हेयर कट वगैरह करवा लिए थे गलती से उसने ज़्यादा छोटे कर दिए हैं तो अब जिम के लिए निकल रहा हूँ वहीं पे जाते हैं अब सीन ये है कि वहाँ पे एक से वादा किया होगा कि जब भी जिम का विनोद बनाऊंगा तो मिशन बोल रहा हूँ चैलेंज होगा तो देखते हैं वो क्या चैलेंज करवाता है माज भाई को मैंने बोला था चैलेंज वीडियो बनाते तो माज भाई ने बोला था जिस दिन मैं जिम में आऊँगा उस दिन बनाएंगे तो आज माज भाई आए तो चलते हैं माज भाई के पास जाके बोलते हैं चैलेंज वीडियो बनाए हाँ माज भाई चैलेंज वीडियो का बोला था आपको मैंने तो आज क्या है मेरे विंग्स हैं विंग्स नहीं शोल्डर मारेंगे आज नहीं नहीं शोल्डर शोल्डर पे चैलेंज वीडियो बनाते हैं तो फिर आपको हम बता दें कि क्या एक्सरसाइज लगा भाई कल छुट्टी की हुई है शोल्डर छुट्टी कर रही है हमने बोला था आपको छुट्टी करो आपकी गलती है छुट्टी करी आपने मुश्किल होता है यार शोल्डर सब नहीं नहीं शोल्डर लगाएंगे आज इंजरी हो जाएगी फिर उन्हें इंजरी होगी ना वापस जुड़ी जाएगी वो इंजरी भाई सभी हमने माज भाई को वहाँ खड़ा किया हुआ है तो अभी जो है ना इससे हम पुशअप लगवाते तीनों रेप जो है ना एक साथ लगवाएंगे ताकि जो ना ये आज जो है ना इसके हाथ बिल्कुल ही काम करने बंद हो जाए हाँ माज भाई लगाओ फिर पुशअप लगाओ सब में पहले तीनों रेप एक साथ लगाने पागल कुछ शोल्डर वाले हाँ शोल्डर वाले तीनों रेप एक साथ लगाओ जब तक नहीं लगाओगे माज आपको छोड़ूंगा नहीं ये बात याद रखना आपको अच्छा मैं लगाऊंगा मेरे को क्या मिलेगा आपको मिलेगा बहुत सारा प्यार किसकी तरफ से ऑडियंस की तरफ से तो लाइक यार ये गलत बात है माज भाई ये यूट्यूब वाले देख रहे हैं तो कॉपीराइट ना पड़ जाए थोड़ा ये बंद कर दो ना ये गलत गलत बातें नहीं करो अच्छा अगर मेरी बीस में बस हो गई ना अलग अलग तो सिस्टम होता है क्या एक साथ आप लगाओ तो सही फिर हम आपको बताते हैं आप स्टार्ट तो करो चलो भाई तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चालीस चालीस चलो चलो अभी तो चालीस हुए हैं अभी क्या हो गया सो तो लगाओ कम से कम एक साल सो तो लगाओ एक साल पागल वागल तो नहीं हो गए तू भाई तुम लगाओ चलो चलो बत्तीस बत्तीस अभी भी जो है ना आपके टोटल हुए चालीस और सत्तर हुए भी आपके रहते हैं भाई तीन रैप की बात हुई थी बारह का एक रैप होता है छत्तीस थोड़ी हम पच्चीस का लगवाते हैं ना आपको तो फिर भी पूरे हो गए लगा रहे हो पांच रहते हैं ना पांच रहते हैं अभी आपने पांच काटे हैं यार देखो शोल्डर वाले थोड़े मुश्किल होते हैं अगर वैसे आप बोलो कि मैं सौ भी लगा डेढ़ सौ लगा यहाँ पे अभी तुझे चालीस में तू बस होगा तो सौ की बात कर रहे हैं हाँ लगा शोल्डर वाले मैंने एक तो साइज लगा दी इसलिए मेरे से अभी नहीं लगेगी लगा शोल्डर वाले पहले आते हैं तो यार अभी हो गया माज भाई का तो अभी माज भाई को चैलेंज देने लगे शोल्डर प्रेस का तो जो है ना माज भाई तो आपको लगाना है शोल्डर प्रेस तीस के जी शोल्डर प्रेस लगाना है तीस के जी का तो कह रहे फर्स्ट टाइम लगाओगे जब भी तो सीखोगे ना आप वार्म अप नहीं यार लगाओ फटाफट तो यार तो अभी हम इससे लगवाते हैं शोल्डर प्रेस तो मेरे आपको पहले मैं आपको दिखाता हूँ वेट कितना वेट लगा रही है माशाल्लाह से हाँ माज भाई रेडी हो फिर पंद्रह के जी मारना है वन हैंड पे 7.5 पे ब्रो ऐसे नहीं वन हैंड पंद्रह यानी कि टोटल होगा तीस के जी वो भाई चला जा यार पागल है मैंने कभी इतना उठाया नहीं पत्ती भाई यार ये तो लाइट वेट है तुम तो ऐसे ही मार लोगा चलो फिर रेडी हो सब कुछ कर देगा चलो फिर रेडी हो जाओ उठाओ पंद्रह का है मेरी खाली है तो माज भाई आपने इसमें ज़्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ जो है ना पंद्रह आठ आठ रेप लगाना दोनों में रेडी हो तो चलो फिर स्टार्ट करो ये एक दो तीन चार पाँच छः
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अरे ये तो हमने आठ बोले थे, इसने बारह लगा लिए। माज भाई शक्ति कहाँ से आ गई है आपके अंदर इतनी? कहाँ से आई इतनी पावर? कैमरा खोल के कुछ भी होता है। इसमें से इसने जो ना फर्स्ट टाइम लगाया 12 kg, तो जो है ना उसको अब जो ना थोड़ा हैवी करवाते हैं। अब जो ना इसे 15 लगवाते हैं। तो इसने 12 तो लगा लिए, 15 पे इसके जो ना 8 लगा लेना तो फिर डिमांड है। 15 पे 6 चलो तुम 6 लगा लो, तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात है, तुम लगाओ तो सही। अब इसने 15 वाले लगाने, तो लेट्स गो, देखते हैं लगा सकता नहीं सकता। तो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो देखते हैं। आमाज भाई चलो फिर स्टार्ट है। ज्यादा नहीं, 6 रेप लगा लो आप। ज्यादा रेट में इसके लिए उठाता उठाओ तो सही तुम। चलो ये वन वन नहीं हुआ अभी। चलो एक दो तीन चार पाँच छ ये चीज सात भैया आराम से यार ये कैसे लगा रहे हो मालूम ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है इसमें। तुम्हारे क्या कर रहे हो आज आपको? मेरे को लग रहा है कुछ खा के आए हो। क्या खा के आए हो? यार वो तो सिगरेट है। तुम यार कैमरे के आगे बोल रहे हो यार, थोड़ा सीक्रेट बात नहीं खोलो हमारी। टायर भाई ने बोला चैलेंज कर तो यार, तो मैं जैसा कि आपको पता है मैं अभी तक चैलेंज जीत रहा हूँ। तो यू नो मोहित भाई आज हम आपको कुछ खिलाएंगे। जीत रहे तुम? हाँ ना, तो कौन जीत रहा है? कौन सी करी है तुमने? कहा कि शोल्डर सीक्रेट लगाओ। 5 पुशअप लेते थे, 5 पुशअप मारे आपने, वो तो एक तो मैं जीत गया। अभी इसने आपने 8 मारे, वो तो चलो ये आप जीत गए, यानी कि अभी लेवल हो रहा है लेवल। मेरा बोल रहा था वेट भी तो इतना उठाया तुम्हारे तो। यार ये तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। ये 15 के डंबल है, ये माज भाई है। तो लेट्स गो लेट्स गो भाई, चले मारी भाई, चला जा घर चला जा। शर्मा क्यों रहे हो ब्रो? अभी ना तुम इसलिए जीत रहे हो, आज भी ना मैंने वापस कर लिया था सारी लगा ली। मेरे साथ जिस दिन तुम चली जाओ ना, उस दिन जीत के दिखाना, जो बोलोगे वो खिलाऊंगा। इधर आओ, करीब आओ, करीब आओ। ये क्या है? This is called a chess bro, you know chess. इसको चेस नहीं कहते? यार ये देखो ये ब्लॉग के अंदर मान अगर ब्लॉग की बंद होता ना फिर मैं इसको बताना था, ठीक है ना? अभी मैंने कुछ नहीं किया, डर रहा है ये देखो। व्हाट इज दिस यार, मैंने तो कुछ नहीं किया। गाइस अभी हमने सारी एक्सरसाइज लगा ली थी, माज भाई का शोल्डर पूरा हो गया था, तो अभी देखते हैं माज भाई के पास चलते हैं। मैं पता है मैं हार गया हूँ, लेकिन जो है ना माज भाई से पूछने भी क्या सीन है माज भाई। अच्छा एक्सरसाइज सारी कर ली थी, यहीं पर इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप बोलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।